इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एक्चुअल में दो फील्ड्स हैं, और जब हम ये बोलते हैं कि दो फील्ड्स हैं यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी एनर्जी है। तो इमेजिन करो अगर फील्ड ट्रेवल कर जाए, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी जा रही है। और ऐसी अगर मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जा रही है। और सोचो अगर दोनों एनर्जीज जा रही हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी दोनों जा रही हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। तो वेव में कोई पार्टिकल मूव करने वाला है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल करती है, कोई मीडियम थोड़ा चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। एक्चुअल में क्या ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रहे हैं, और फील्ड जो ट्रैवल कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। लेकिन इसकी डिस्कवरी ऐसी नहीं हुई थी कि साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक नई चीज़ निकालेंगे जिसका नाम है ईएम वेव, ताकि दुनिया में रेवोल्यूशन आएगा, लोग फ़ोन पे बात भी कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। और ईएम वेव ने तो दुनिया को चेंज ही करके रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत एडवांस चली गई दुनिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हुआ क्या था एक्चुअल में, इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। हमने थर्ड यूनिट किया जिसमें हमने एम्पियर सर्किट लॉ किया था। तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, वो एक्चुअल में एम्पियर सर्किट लॉ को ही स्टडी कर रहा था। तो उसने कहा कि एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास अगर एक क्लोज पाथ है, उस क्लोज पाथ में बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई आनी चाहिए, सही है। तो उसने चैलेंज किया एम्पियर सर्किट लॉ में, एम्पियर को चैलेंज किया था मैक्सवेल ने। उसने कहा ठीक है मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगा के दिखाओ। एक्सपेरिमेंट ये था कि आपके पास एक बैटरी है और ये पी और क्यू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। उसने कहा कि जब मैं बैटरी को ऑन करूँगा तो करंट इसमें इंक्रीज होगा, इसकी चार्जिंग ऑफ बैटरी होगी, जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो करंट इसमें स्टडी हो जाएगा और कैपेसिटर स्टडी करंट को पास होने नहीं देता, रुक देगा। पर जब तक ये मैक्सिमम नहीं होगा तब तक तो करंट जाएगा। इमेजिन करो इसमें आई करंट मूव कर रहा था जो इंक्रीज होता जा रहा है, इमेजिन करो। तो मैक्सवेल ने कहा कि ठीक है मैं दो लूप लेने जा रहा हूँ और पूरे सर्किट में कितना करंट घूम रहा है, आई करंट घूम रहा है। एक क्लोज्ड पाथ उसने यहाँ पे ले लिया वायर के क्रॉस, और दूसरा क्लोज्ड पाथ उसने कैपेसिटर के क्रॉस ले लिया, कैपेसिटर के बीच में खाली स्पेस में ले लिया। तो उसने कहा ठीक है आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो बी डॉट डी एल की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई आएगी, बिल्कुल सही है। अब मैक्सवेल ने एम्पियर को कहा यहां लगा के दिखा। जब यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ ने एम्पियर ने लगाया और बी डॉट डी एल की वैल्यू आई, तो वो समझ नहीं पाया कि इसमें वायर तो है ही नहीं, स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें कौन सा करंट पास करे। तो या तो एम्पियर कह रहे कि उसका सर्किट लॉ गलत है या फिर इसको ठीक करके दे। देखो दो ही चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट कितना आ रहा है, आई करंट है, सर्किट में तो आई करंट है, लेकिन फिर यहाँ पे करंट क्या लें, यहाँ तो करंट ही नहीं है। फिर करंट यहाँ से यहाँ उड़ के चला गया, करंट कैसे चला गया, करंट गया क्योंकि कैपेसिटर की क्या हुई, चार्जिंग, और कैपेसिटर की चार्जिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब करंट पीछे से बढ़ रहा था, चार्जेस बढ़े, प्लस एंड माइनस, इंडक्शन से यहाँ पर माइनस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, तो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस करंट एनर्जी बन गई और यहाँ पर ये करंट वापस आ गया। अब ये ना समझ में आया कि यहाँ क्या पुट करें, राइट, प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखो ये प्रॉब्लम मैंने भी नहीं सोची, आपने भी एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, पर हमने नहीं सोचा कि कैपेसिटर के बीच के प्लेट में अगर कोई लगाए तो क्या होगा, जबकि पूरे सर्किट में करंट आ ही जा रहा है। तो फिर एक नया समझौता हुआ, मैक्सवेल ने कहा कि काम करते हैं इसमें इमेजिनरी करंट बोलना पड़ेगा, फिजिकल करंट तो इसमें नहीं है, वो इमेजिनरी करंट का नाम है आईडी। आईडी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट। और किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है कितनी, उसने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डीटी,
और डी फाई का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहां आईडी जनरेट हो जाएगा। कुछ देर के बाद करंट आई कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, आईडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा तब तक इसमें आप आईडी एज्यूम कर सकते हो। और एम्पियर ने पूछा फिर आईडी और आई का रिलेशन क्या है, आईडी और आई का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है, सेम। बस ये कन्वर्ट करने का तरीका है, फिजिकल करंट को फ्लक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आज के बाद ऐसा बन गया, म्यू नॉट इनटू आई प्लस आईडी, ऐसे बन गया। जहां पर तो फिजिकल वायर है वहां म्यू नॉट इनटू आई यूज कर देना, जहां प्लेट ऑफ कैपेसिटर है वहां आईडी यूज कर देना, बात बन गई। और लॉ का नाम भी चेंज किया गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ नाम से फेमस हुआ। तो मैक्सवेल ने इसको चैलेंज किया था और अपना नाम फिट किया, और देखो उसने बिल्कुल सही काम किया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक नए करंट की डिस्कवरी हो गई जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डीटी, ठीक। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, बात तो हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और बातें कर रहे हैं एम्पियर सर्किट और लॉ की, ये क्या लेना देना है, मतलब कहां से निकल के इसमें ईएम वेव कहां पर है ये तो बताओ, कौन सी वेव पैदा हो गई, कोई वेव पैदा थोड़ी ना हुई इसमें। एक्चुअल में काम तो कुछ और हो रहा था, काम तो कुछ और हो रहा था, बातें तो इसकी ठीक करने की हो रही थी एम्पियर सर्किट लॉ की, लेकिन बीच में एक ऐसी डिस्कवरी हुई और ऑब्जर्वेशन आई जो आप सोच के हैरान हो जाएंगे, और वो भी सोच के हैरान हुए क्या हुआ, हुआ क्या, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में जब फ्लक्स चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया अपने आप। आप कहेंगे ये कैसे पैदा हो जाता है, आज तक तो हुआ नहीं था, हुआ था, हमने डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर इस रूम में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दूं, जितना यहां पर मेटल है उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे अपने आप। जब फ्लक्स चेंज होगा तो मेटल में, मेटल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस करंट्स पैदा हो जाएंगे, ये बात हुई थी। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी थी। और उल्टा भी ट्रू है, अगर आप एक करंट कैरिंग वायर लें उसमें करंट को चेंज करें, आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यानी कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास भी जनरेट करती है और चेंजिंग भी करंट भी पैदा करता है। यानी कि यहां से पता लगा देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, नेचर बहुत सिमेट्री में काम करती है। अगर आप किसी जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में अपने आप पैदा हो जाएगा, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे वहां पर अपने आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पैदा हो जाएगा। ये सिमेट्री का पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से, कर तो कुछ और रहे थे पर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो गया, तब आइडिया हुआ कि ये तो कमाल हो गई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों में से कोई भी चीज चेंज होगी, एक कम होगी तो दूसरी दूसरे को पैदा कर ही देगी, मतलब एक फील्ड को चेंज करोगे दूसरा अपने आप फील्ड पैदा हो जाएगा, सही है यहां तक। तो ये कहानी यहाँ से हुई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो इसमें यही आया कि अगर ये प्रॉब्लम में फंस गए तो मैक्सवेल ने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में एम्पियर सर्किट लॉ म्यू नॉट इनटू आई वैल्यू देता है, उसने दो लूप्स ली C1 C2 C1 के अंदर जब उसने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया लग गया, लेकिन जब उसने C2 पे लगाया तो आंसर जीरो आ गया क्योंकि फिजिकल करंट वहां पैदा नहीं था। पर लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो सेम करने के लिए आइडिया क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या थी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये वैल्यू है आईडी इनटू डी फाई बाई डी टी, ये मैंने बता दिया, और आपका लॉ मॉडिफाई होके ये बन गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है आईडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है यहां तक। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फिर बीच में ईएम वेव कैसे आई।